दोस्तों, मैं आलोक सिंह राठौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लैवोनेट ओरल सस्पेंशन के बारे में। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर दबा दें, ताकि जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एम सिर्फ ड्राई सिरप के बारे में। इस सिरप का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, किसी भी ड्राई सिरप के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं एमसीवी ड्राई सिरप के उपयोग के बारे में। इसका उपयोग बच्चों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सर्दी, जुखाम, बुखार, साथ ही साथ इसका उपयोग कान में इन्फेक्शन, और तो और इसका उपयोग कभी भी उनके चोट लग जाना, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। डोजेज़ की बात करें तो जो इसके डोजेज़ हैं वो 0 से लेकर 2 साल के बच्चों के अंदर 3 से 5 ml दी जाती है, और 2 से 8 साल के बच्चों के बीच इसको 10 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर इसकी MRP की बात करें तो जो इसकी MRP है वो 59.47 पैसे। इसको मेडजिल फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर इसके वेट की बात करें तो ये 30 ml की बोतल है। और अगर इसके फ्लेवर की बात करें तो जो इसका फ्लेवर है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। इसकी पैकिंग की बात करें तो ये इस तरीके की ड्राई सिरप है, इसके अंदर एक स्टील वाटर भी है, जिसका उपयोग इसके अंदर इस लाइन तक किया जाता है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद ही बच्चों को दिया जाता है। इस ड्राई सिरप की साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जो ड्राई सिरप के साइड इफ़ेक्ट हैं वो है पेट में दर्द होना, दस्त होना, डायरिया होना, और तो और कभी कभी जी मचलना, उल्टी होना। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह परामर्श के बाद ही इस सिरप का आगे उपयोग करें। ये मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के द्वारा बेची जाती है, और इसकी MRP भी लगभग 50 से 70-80 रुपए के बीच में होती है, और ये किसी मेडिकल स्टोर पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है।